सुंदर रसिना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं ये मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो टाइटल एंड थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मैं ट्राई करने वाली हूँ आज सेलिब्रिटीज का मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स, कुछ भी बोल लो। एंड ऑल्सो जो भी सोर्सेज होगा वीडियोज का, तो वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो या देखते रहो वीडियो, एंड अगर आपके फेवरेट एक्ट्रेस मिल जाए वीडियो में देन कॉमेंट करके बताना। एंड या विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इन टू द वीडियो। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी प्रेप्ड माई स्किन एंड क्या क्या प्रोडक्ट मैंने यूज किया है इसके ऊपर एक शॉर्ट बनाया है। एंड आई होप बाय द टाइम यू वॉच दिस वीडियो द शॉर्ट इज ऑलरेडी लाइव ऑन माई चैनल। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाओ इस वीडियो को खत्म करके जाओ जाके वो शॉर्ट भी देख लो। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर मेकअप इज टू अप्लाई द फाउंडेशन। ओके, सो फाउंडेशन के लिए आज हम अलाया एफ का फाउंडेशन हैक ट्राई करने वाले हैं। मैंने अभी तक ये वाले हैक कभी ट्राई नहीं किया। पूरे वीडियो में से कुछ कुछ चीज ऐसा है जो कि मैंने ट्राई किया है, ज्यादातर चीजें मैंने ट्राई नहीं किया है। ओके, सो इन हर वीडियो शी यूज्ड अ फाउंडेशन, नॉट दिस वन, एंड इसके साथ साथ एक मॉइस्चराइजर भी इन्होंने मिक्स करके फेस पे अप्लाई किया है जो कि मैंने कभी नहीं किया है। सो लेट्स ट्राई दिस। तो मेरे पास है मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन। मैं इसका एक पंप लेने वाली हूँ यहाँ पे। दिस मच इज एनफ, मोर देन एनफ एक्चुअली। उसके साथ साथ पॉन्ड्स का ये मॉइस्चराइजर लूंगी एंड दिस मच, एंड देन आई मिक्स इट। एक्चुअल फाउंडेशन का शेड था उससे थोड़ा सा लाइट हो गया है बिकॉज ऑफ द क्रीम। ओके, तो शी सेड कि इस हैक से आपका जो फाउंडेशन है उसका जो कंसिस्टेंसी है वो थिन हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, एंड इट लुक मोर नेचुरल, जो कि आई थिंक शी इज राइट, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा लाइट तो ये हो गया है ही ऑलरेडी, एंड जस्ट बिकॉज वी यूज द क्रीम, तो इसलिए फाउंडेशन का जो एप्लीकेशन है उसमें कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है। ऑल्दो मैंने थोड़ा सा सीरम यूज किया है फेस पे, बट वो बहुत लाइट वेट था तो बहुत ईजिली वो अब्सॉर्ब भी हो गया। एंड ओके, सो नॉर्मली आई ब्लेंड माई फाउंडेशन विद स्पंज, बट जस्ट बिकॉज शी यूज हर ब्रश तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना ब्रश ही यूज करती हूँ। एंड क्या आई थिंक ब्रश से ज्यादा अच्छे से ब्लेंड हुआ है। आई थिंक दिस पार्ट इज मैचिंग, नॉट माई नेक। तो मैं अपने नेक पे भी थोड़ा सा अप्लाई करूंगी फाउंडेशन, नॉट टू मच। ओके, सो इन द वीडियो शी यूज टू पम्प्स ऑफ फाउंडेशन, बट मैंने सिर्फ एक पम्प ही यूज किया है क्योंकि आई बिलीव इट्स मोर देन इनफ फॉर माई फेस। एंड ऑल्सो मैं नॉर्मली वन पम्प ही यूज करती हूँ, एंड समटाइम्स कभी कभार ओकेजन पे मैं सिर्फ टू पम्प्स यूज करती हूँ। सो या दैट्स बेसिकली इट फॉर आवर फाउंडेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कंसीलर, एंड कंसीलर के लिए आज ट्राई करने वाली हूँ कैटरीना कैफ का कंसीलर अप्लाइंग हैक। नायका का या फिर के ब्यूटी का एक शॉट था, उसमें शी अप्लाइड कंसीलर, एंड वो जो वीडियो था वो बहुत वायरल हुआ था एंड बहुत लोगों ने उसको ट्राई किया था, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो चलो आज उसे ट्राई करते हैं। पहले मैं वीडियो ऑन करती हूँ। ऑफकोर्स शी यूज हर के ब्यूटी का कंसीलर, बट आई विल यूज मेबलिन का कंसीलर। चलो ट्राई करते हैं। तो शी डिड दिस थिंग कि यहां से यहां तक। ओके, आई नीड अ मिरर। ओके, लेट्स डू, यहां से ऐसे, देन यहां पे ग्राउंड। ओके, यहां से यहां तक, सो फार सो गुड। यहाँ से अगेन आई गेस यहाँ तक। ओके, ओ ओके, कॉन्टोर लाइन ठीक है, देन ओके यहाँ पे एक राउंड होगा, देन ओके ओके, नाउ यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे कॉन्टोर लाइन का पॉइंट है, तो यहाँ से इसको जॉइन कर देना है। ओके, गुड। तो शी ब्लेंडेड इट विथ हर फिंगर्स ओनली, तो आई विल आल्सो डू दैट। तो चलो यही करते हैं।
अगर आपने फुल मेकअप किया हुआ है, ब्लश, कॉन्टूरिंग सब कुछ कर दिया है, एंड देन इफ यू अप्लाई दिस कंसीलर ऑन टॉप ऑफ योर मेकअप, देन आई थिंक वो लिफ्टिंग वाला जो थिंग है वो होगा. बट क्योंकि मैंने फुल मेकअप नहीं किया है, जस्ट मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है एंड देन आई अप्लाइड माय कंसीलर, तो आई थिंक वो जो लिफ्टिंग थिंग है, लिफ्टिंग वाला लुक है, वो नहीं आया है. या इट्स लाइक नॉर्मल कंसीलर मैंने फेस पे अप्लाई किया है एंड इट्स टू मच ऑफ कंसीलर, तो आई डिडंट लाइक दिस हैक एट ऑल. तो एक्चुअली वीडियो देख के ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कैटरीना कैफ्स कंसीलर हैक फॉर ब्राइट एंड लिफ्टेड लुक. तो ब्राइटनिंग के लिए ये चीज है, जो कि ठीक है, हमें उतना ब्राइटनिंग चाहिए भी नहीं. तो इस साइड पे तो हमने कैटरीना कैफ का कंसीलर अप्लाई किया है, मतलब हैक वाला थिंग. बट यहाँ पे मैं नॉर्मली जैसे कंसीलर अप्लाई करती हूँ वैसे ही करने वाली हूँ, एंड क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फेल, तो मैं कैटरीना कैफ का एक और हैक मेरे पास है, वो मैं ट्राई करूंगी. ओके, सो आवर बेस इज ऑलमोस्ट डन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, व्हिच इज फिलिंग माय आईब्रो. तो उसके लिए जो हैक है वो है प्रियंका चोपड़ा की एक बहुत ही यूनिक टेक्निक है, जो कि हम आज फॉलो करने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं हमारे आईब्रो फिलिंग. तो मैंने यहाँ पे लिया है माय गो टू आईब्रो पेंसिल, एल्फ का इंस्टेंट लिफ्ट ब्राउ पेंसिल. तो व्हाट शी डिड इन दिस वीडियो, शी पुल्ड हर आईलैश लाइक दिस एंड देन यहाँ पे जो गैप्स है वो उन्होंने फिल किया है. Yeah, it works. But I think मैंने too much product use कर लिया है. As you guys can see, यहाँ पे मुझे hairs मेरा बहुत ही कम है. यहाँ पे मैं वो hack try नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि वो जो hack था, तो when you pull your eyebrows like this, तो यहाँ पे जो प्रॉपर शेप है मेरे आईब्रो का, जो लाइन है, वो थोड़ा समझने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा था. इसलिए आई थिंक आई यूज्ड थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट क्या, तो इसलिए मैं ये हरकत इस आईब्रो के साथ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि वरना दोनों ही अजीब हो जाएगा. यहाँ पे मैं नॉर्मल जैसे करती हूँ वैसे ही करूँगी पहले. ओके, सो मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ किया है एंड थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया है, विच इज़ नॉट सो मी. सो अब मेरा फेस फ्लैट एंड वाइट लग रहा है, तो आई नीड सम कलर ऑन माई फेस. तो इसलिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कॉन्टोरिंग. तो कॉन्टोरिंग के लिए मैं फॉलो करने वाली हूँ प्रीति खटबंदा के कॉन्टोरिंग हैक. नॉर्मल है जैसे हम करते हैं, बस एक चीज ऐसा है जो मैं कभी नहीं करती हूँ, मैंने किसी को देखा भी नहीं करते हुए, मुझे लगा कि थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए आई वॉन्टेड टू ट्राई दैट. शी यूज हुला ब्रॉन्जर, जो कि हमारे पास नहीं है, ऑफकोर्स हमारे पास है शुगर. सो शी बिलीव्स कि हर फोरहेड इज टू ब्रॉड. मुझे मेरा फोरहेड ठीक ठाक ही लगता है, नॉट टू ब्रॉड, बट आई डू अप्लाई सम कॉन्टोर ऑन माई फोरहेड. यहाँ पे थोड़ा सा, शी ऑल्सो डिड दिस, इट्स विजिबल. नाउ जॉ लाइन पे अप्लाई करूँगी मैं. मुझे लगता है जो मेरा कॉन्टोर स्टिक है उससे मेरे जॉ लाइन का जो कॉन्टोरिंग है वो ज़्यादा अच्छे से होता है. ठीक है, जस्ट बिकॉज शी डिड दिस विथ हर पाउडर कॉन्टोर, तो हम भी वही करेंगे. तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगी. सो नाउ द मेन स्टेप, जो कि मैंने बताया था कि डिफरेंट है, शी अप्लाइड कॉन्टोर ऑन हर नेक, स्पेशली यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो लाइनिंग है उसको कॉन्टोर करने के लिए, तो हम भी वही करेंगे. आई डोंट थिंक आई नीड दिस कॉन्टोर, क्योंकि वैसे भी बहुत प्रोमिनेंट है मेरा ये एवरीथिंग. आई नीड टू कॉन्टोर माई कॉलर बोन्स. शी मैंशनड कि इससे क्या होगा, आपका जो जॉ लाइन है वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा, बट आई थिंक आई कुडंट डू इट इन द प्रॉपर वे, तो इसलिए आई थिंक मुझे नोटिस नहीं हो रहा है, मुझे कुछ या थोड़ा सा लग रहा है या थोड़ा सा नहीं भी लग रहा है, आई डोंट नो. ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज आई शैडो, एंड आई शैडो के लिए आज हम फॉलो करने वाले हैं नुसरत भरूचा का वीडियो, उनका मेकअप पैक्स एंड टीप, विच आई करेंटली डू. ओके, सो व्हाट शी डिड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, इंस्टेड ऑफ आईलाइनर शी यूज्ड आई शैडो ओनली, एंड शी टुक अ थिन ब्रश लाइक दिस. ब्राउन कलर का आई शैडो लिया है उन्होंने, एंड इसको
एज अ लाइनर अप्लाई किया है, जो कि आजकल मैं करती हूँ, बट मैं पहले काजल अप्लाई करती हूँ, देन मैं काजल को ब्लेंड करने के लिए आई शेडो यूज करती हूँ. सो लेट मी कम क्लोजर एंड नाउ वी आर गोना अप्लाई इट ऑन द अपर वाटर, नॉट वाटर लाइन, अपर लैश लाइन. ब्लैक एंड ब्राउन को मिक्स करके मैं अप्लाई करती हूँ. ओके, आई थिंक इट्स इनफ. समझ में उतना नहीं आएगा कैमरा में. सो थोड़ा सा गलती हो गई मुझसे, मैंने थोड़ा ज्यादा ही स्किप कर दिया था एंड जो ट्रांजिशन शेड उन्होंने अप्लाई किया था वो मैंने नहीं देखा, तो आई डिडंट अप्लाई इट. ओके, सो ट्रांजिशन शेड के लिए शी अप्लाइड समथिंग लाइक दिस टाइप ऑफ कलर, बहुत नेचुरल सा पाउडर कलर आई गेस. तो हम भी वही करेंगे, ऐसे एक बनाना पाउडर की तरह जो कलर होता है ऐसे एक आई शेडो लेके क्रीज की जगह पे अप्लाई करेंगे फर्स्ट, विच आई यूज टू डू इट अर्लियर बट नाउ आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, बिकॉज पहले जो मैं सेटिंग पाउडर यूज करती थी उसका कवरेज उतना ज्यादा नहीं होता था, बट अब जो मैं सेटिंग पाउडर ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज करती हूँ उसका कवरेज बहुत ज्यादा होता है, तो मुझे उतना जरूरत ही नहीं होता है. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस पाउडर बट एनीवे. ओके, सो एक्चुअली आई हैव हुडेड आईलिड्स बट शी हैज ब्यूटिफुल आईज. आईलिड पे बहुत जगह है, यू नो, जस्ट टू प्ले विद कलर्स, बट आई डोंट हैव दैट मच. एंड अगर कर भी लो तो जब मैं आईज ओपन करती हूँ तो सब कुछ चला जाता है. सो ओके, सो नाउ व्हाट शी डिड, शी पिक्ड अ वेरी न्यूट्रल ब्राउन कलर जो कि आई डोंट थिंक मेरे पास है. ओके नो, आई हैव दिस वन, आई विल यूज दिस कलर, इट्स मोर लाइक अ ब्रिक कलर, बट व्हाट शी एक्चुअली यूज वो मेरे पास उस टाइप का कलर नहीं है. एक्चुअली शी यूज्ड दिस कलर लेकिन इससे भी थोड़ा सा लाइट, तो इसलिए मैं इस कलर को बहुत ही लाइट एंड बहुत ही कम अमाउंट पे यूज करने वाली हूँ. शी पिक्ड अ ब्रश लाइक दिस एंड दिस इज वेरी पिगमेंटेड कंपेयर टू दिस बिकॉज इट्स अ ड्यूप वन, मतलब हुडा ब्यूटी का ड्यूप है ये एंड दिस इज मार्स का पैलेट. ओके, शी यूज्ड दिस कलर on her crease to just give it a shape. I have a spot here. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे blending नहीं हुआ अच्छे से. This color is actually, this is one of my favorite color. ठीक है चलो, I think this is enough for me. And इसके ऊपर मैं फिर से वो जो brown color मैंने use किया था वो एक और बार करने वाली हूँ ताकि पूरा और अच्छे से you know समझ में आ जाए. Okay. So eyeshadow is done, but I think I need something more which will open up my eyes. So इसलिए मैं follow करने वाली हूँ again Katrina Kaif का एक hack. So what she does, she takes a kajal, not this one, K Beauty का kajal, and she just dot the kajal on her under waterline. आई थिंक नाउ इट्स डन, स्टिल आई नीड मस्कारा. तो मस्कारा के लिए जो मैं फॉलो करने वाली हूँ वो आई थिंक दोनों ने यूज किया है, आई थिंक अलाया एफ ने भी यूज किया है एंड कृति खरबंदा ने खरबंदा भी यूज किया है, जो कि थोड़ा सा स्केरी है मेरे लिए. लेट्स ट्राई दिस. हाँ, उन्होंने एक आई लैश कर्लर लिया है एंड इस एरिया को उन्होंने हेयर ड्रायर से हीट किया है, तो लेट्स डू दैट. Oh my god, it's too hot. Let's try this. Okay, it's beautiful. It is scary. बहुत डर लगता है, मतलब आईज है बहुत सेंसिटिव. प्लीज गिव अ लाइक जस्ट फॉर दिस वन. अगर आप अभी तक देख रहे हो इस वीडियो को देन ओनली. आई थिंक बहुत देर तक मैंने रख दिया है. ओके, लेट मी शो यू द डिफरेंस. सो दिस आई एंड आई, डिफरेंसेस समझ में तो आ रहा है, लेकिन पहले मैं इसको ठंडा होने देती हूँ. नाउ लेट्स पुट ऑन मस्कारा एंड मस्कारा के लिए कुछ हैक्स तो नहीं है. एक्चुअली क्या भी हैक्स हो सकता है. नो, एक्चुअली एक हैक है जो कि मैंने अलाया इफ के वीडियोज में देखा है. तो व्हाट शी डज, शी एक्चुअली डज दिस थिंग, शी टेक्स अ मस्कारा एंड यहाँ पे लेके ऐसे 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 करता है, देन शी ऐसे ऊपर की तरफ खींचता है. इससे क्लम्पी नहीं लगता है, क्योंकि आई
ये तो मतलब होना ही है हर वक्त। मैं मस्कारा अप्लाई करूँ एंड कुछ ब्लंडर ना करूँ, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। ओके, सो दैट्स बेसिकली इट फॉर माय आई मेकअप। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टिप्स। मैंने नहीं देखा है ब्लश अप्लाई करने का, तो वैसे भी आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ ब्लश, क्योंकि मेरे स्किन टोन पे आई थिंक अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है, तो आई विल स्किप ब्लश टुडे। सो नाउ लेट्स अप्लाई सम सेटिंग स्प्रे। सो सेटिंग स्प्रे का जो हैक ट्राई करने वाली हूँ वो है शेफाली जरीवाला का काटा लगा गर्ल। तो इन दिस वीडियो उन्होंने मेंशन किया है कि वो जब हैवी मेकअप करती है तो देन शी अप्लाइज डायरेक्टली ऑन हर फेस, बट जब वो लाइट मेकअप करती है देन शी टेक्स हर ब्यूटी स्पंज एंड स्प्रे द सेटिंग स्प्रे ऑन दिस लाइक दिस। देन इसको लेके शी सेट्स हर मेकअप। तो आई थिंक पूरा ज्यादा वेस्ट होता है। When she was in Big Boss 13, I used to like her very much in the beginning. Then धीरे धीरे उनका जो रूप बाहर निकल आया सॉरी नॉट लाइक रूप, वो आसिन के ऑपोजिट हो गए थे या आसिन के ऑपोजिट हो गए थे, तो तब मुझे वो थोड़ा सा वियर्ड लगने लगा। बट आई डोंट नो मैंने ये क्यों बताया, बट ओके आई थिंक दिस वर्क्स। तो पहले सेटिंग स्प्रे अप्लाई करने से क्या होता है, आई थिंक प्रोडक्ट ज्यादा वेस्ट नहीं होता है, ट्राई करने के लिए एक बार ठीक है। ओके सो नाउ लेट्स मूव ऑन। लास्ट स्टेप है जो कि है लिपस्टिक, एंड लिपस्टिक के लिए मैं फॉलो करने वाली हूँ कियारा अडवाणी का लिपस्टिक हैक। तो आई थिंक ज्यादातर वो बुलेट लिपस्टिक यूज करती है, बट मैं बहुत ही कम बुलेट लिपस्टिक यूज करती हूँ, ज्यादातर मैं मैट्स यूज करती हूँ या तो फिर क्रेयॉन्स। तो आज मैं एक बुलेट लिपस्टिक अप्लाई करूंगी। I'll change the lipstick, but पहले hack try करते। तो what she does, she applies one coat of lipstick, then एक tissue लेके ऐसे करती है, tissue almost सब कुछ ही ले लिया। Okay, then she applies another coat of lipstick, but बहुत ही हल्के से and बहुत ही कम amount पे। वो जो ग्लॉसी एंड हैवी वाला फील था ना लिपस्टिक का, वो चला गया है। सो आई लाइक दिस हैक। जैसे मैं नॉर्मल मेरा लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ वो करते हैं, एंड जो लिपस्टिक आज मैं यूज करने वाली हूँ तो मैं नुसरत वर्चा के वीडियो में देखा था, उन्होंने मैक का एक कलर यूज किया है विच इज सिमिलर टू दिस वन। तो दिस लिपस्टिक इज फ्रॉम NY बे। फुल मैट हो गया है, वाओ, लव दिस हैक। सो दैट्स बेसिकली इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए देन लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। अगर बंगाली कंटेंट के लिए इंटरेस्टेड हो देन प्लीज गो एंड वॉच माय बंगाली चैनल, जो कि नीचे लिंक डाल दूंगी मैं। सो यहाँ पे कमेंट करके बताओ आपको ये लुक कैसा लगा, फुल वीडियो कैसा लगा, एंड लेट मी नो कि मैं इसका पार्ट टू करूँ या फिर नहीं। एंड ऑल्सो इस टाइप का कुछ वीडियो आइडियाज अगर है आपके दिमाग में तो प्लीज वो भी कमेंट कर देना, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। ऑल्सो लेट मी नो कि और कौन कौन से सेलिब्रिटी का मैं कुछ ट्राई कर सकती हूँ अगर, देन वो भी बताओ थोड़ा सा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय।